उस दिन जो रेट फिक्सेशन हुआ था उसमें आप भी कमेटी में बैठे थे, तो यहाँ की आवाम का ये शिकायत है कि ले और करगिल में जब किराए मेरे ख्याल से 5 रुपए केजी लगता होगा ले से करगिल, करगिल से ले तक के लिए, तो सब्जी कहीं कहीं सब्जियों पे 10 या 15 रुपए का डिफरेंस है, इसमें क्या यहाँ जो आइटम यहाँ करगिल में तो नहीं होगा ना। अच्छा, शिमला मिर्च यहाँ करगिल में है, अच्छा यहाँ पर है, वहाँ है, मटर यहाँ पर, वहाँ पर है, कहीं नहीं वहाँ पर सब्जी, वहाँ प्याज और क्या होगा, टमाटर बस, और क्या है। अब सीनियर में पहले रेट चेक करो ना, क्या रेट है अभी सीनियर में। अच्छा, अब सीनियर में मंडी में फोन करो, अब देखो वहाँ क्या रेट है होलसेल में। अच्छा अच्छा, तो कुछ कुछ आइटम जो जो भी वहाँ मिलता होगा वहाँ तो 10-15 रुपए का फर्क है ना, वो क्यों आ जाए, किसे फर्क जाए है ना, यहाँ वहाँ 40 रुपए प्याज है, यहाँ 50 है। अच्छा, 10 रुपए हो गया ना, फिर फर्क 10 रुपए का भी है ना जनाब, किराया तो 5 रुपए फर्क भी होगा ना, वहाँ भी वहाँ का सामान देखो और यहाँ का सामान देखो, क्वालिटी में कितना फर्क है। अच्छा, क्वालिटी में फर्क है ना जनाब। अच्छा, नहीं किराया तो आपने बताया 5 रुपए ही लाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 15 रुपए किलो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, श्रीनगर से करगिल तक भी तो है ना, करगिल से यहाँ तक करगिल से यहाँ तक 7 रुपए ज्यादा किराया है। अच्छा, तो फिर भी वो भी है ना, वो जो आइटम करगिल में है वो यहाँ पे नहीं होगा ना, वो यहाँ पे नहीं बिकेगा ना, यहाँ बेचने भी नहीं देंगे हमको। अच्छा, करगिल में आप फोन करो, वहाँ शिमला मिर्ची है। अच्छा, बीन्स है वहाँ पर, भिंडी है, बैंगन है, यहाँ बेचने नहीं देगा, मतलब क्या आपका मतलब क्वालिटी मतलब होना चाहिए ना, जो क्वालिटी करगिल में आता है वो यहाँ नहीं आता, यहाँ नंबर वन क्वालिटी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मसला वो भी है ना सर। अच्छा अच्छा, आपका ये मतलब है कि करगिल से यहाँ मतलब सुपीरियर क्वालिटी आता है सर। वो अब खुद चेक करो ना, वहाँ देखे खुद चेक करो ना। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। लद्दाख पीपल वाइज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज मेरे साथ है बशीर अहमद सर, है बशीर जी है जो यहाँ वेजिटेबल सेलर होल सेलर का ओनर है, और यहाँ जितना भी वेजिटेबल एसोसिएशन है इनका जो इनके प्रेसिडेंट है। सर नमस्कार। नमस्कार जूले सर। जूले सर, सर ले के आवाम लोगों का ये शिकायत है कि ले और करगिल में रेट में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब आपका क्या कहना है इस पर? हमारा ये कहना है सर, हम यहाँ बिल्कुल एक नंबर पर वैरायटी पूरा होता है सर, वहाँ पूरा वैरायटी नहीं मिलेगा क्योंकि उनको रेट कम मिला है, कम से कम 7-8 आइटमों का सर। अच्छा। हाँ, इसलिए वो आप पता भी कर सकते हो सर, जम्मू में क्या रेट है, दिल्ली में क्या रेट है, वहाँ पता कर सकते हो, वहाँ आपको पता चलेगा। मटर है डाउन में 80 रुपये के जी, यहाँ बिक रहा है, यहाँ हमको रेट दिया है 65 रुपया, उसमें वारा ही नहीं है सर। बीन्स, भिंडी, करेला, ये इतना महंगा है सर पूछो मत, आप अपनी जगह भी पता कर सकते हो कहीं भी। लेके आवाम लोगों का ये कहना है सर कि करगिल से यहाँ मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन का 5 रुपये या 2-3 रुपये या 5 रुपये के बीच में के जी पे पड़ता होगा, बराबर फर्क तो 5 ही रुपये है सर करगिल और यहाँ में रेट का 5 ही रुपये है, ट्रांसपोर्ट के जी का ट्रांसपोर्ट चार्जेस। लेकिन सब्जी में कई कई मगर 10-15 रुपये फर्क है ना। फर्क तो है सर, मगर एक चीज़ है, वहाँ करगिल में पहुँच जाता है 6 घंटे में गाड़ी। अच्छा। यहाँ पहुँचता है 24 घंटे में गाड़ी। अच्छा। यहाँ फिर आधा सड़ भी जाता है सर, आपको मैंने अभी दिखाया भी टमाटर कितना लॉस हुआ है, गाजर देखा आपने, बाकी सौदा देखा, एकदम सड़ जाता है सर गर्मी की वजह से कम 25% हमें फेंकना पड़ता है गाड़ी में। हाँ सर, ऊपर से प्लस अब गर्मी होने वाली है उसके वजह से ज़्यादा ही सड़ जाता है। हाँ सर, तो अभी ये जो रेट रिसेंटली बना है रोड खोलने के बाद, आप लोग भी साथ में बैठा है जो रेट फिक्सेशन कमेटी के साथ आप लोग भी बैठा है, तो ये रेट पूरा समर में लागू रहा है कि अभी दोबारा चेंज होगा इसमें? ये तो दोबारा चेंज होगा इसमें, 5-6 आइटम में हमें रेट कम है, 1-2 आइटम में आम और आम में थोड़ा ज़्यादा है, आम को कम करवाएंगे, बाकी आइटम में थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि आम का अब सीज़न आने वाला है सर, वो तो सस्ता होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसमें और बढ़ाओगे, क्योंकि अभी बड़े गाड़ी आएंगे तो फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता पड़ेगा, तो रेट तो पड़ेगा सर। आगे गर्मी बढ़ रही है सर, गर्मी की वजह से हमें सब्जी सड़ जाता है सर। अच्छा। उसकी वजह से बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो तो फिर हमें सड़ जाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना हमें सर ख़राब हो जाता है सब्जी। तो करगिल में जब साथ में करगिल में ही बढ़ेगा क्या, आपका क्या कहना है? करगिल में भी बढ़ना चाहिए, गर्मी बढ़ रहा है तो सब्जी, एक तो पीछे से गर्मी की वजह से सब्जी कम होता है सर, उसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है, गर्मी की वजह से सड़ जाता है सब्जी सर, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए सर सब्जी का रेट। 5-6 आइटम का, सारे का नहीं सर। अब प्याज, आलू है, तरबूजा है, खरबूजा है, मतलब ये आइटम को तो नहीं, बाकी आइटम है जिसमें जैसे बीन्स है, इसमें बैंगन है, इसमें मटर है, इसमें भिंडी है, शिमला मिर्ची है, ये तो पीछे से ही सर महंगा है। आपने ये बताया कि करगिल से यहाँ पहुँचने में और टाइम लगता है, उसमें आपका नुकसान होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं 15-20 रुपये इसलिए बढ़ाया है। अच्छा। नहीं तो ऐसे नहीं बढ़ाते हैं सर। अच्छा, अच्छा। सबको पता है सर, आप लोग भी बैठते हो डाउन में सर, आप भी देखो सर्दी में कितना महंगा है, वहाँ 30 रुपये को पाव बिकता है, भिंडी, बीन्स, मटर, करेला, ये पाव के हिसाब से बिकता है सर, वहाँ 100 रुपये डाउन में होता है 1 केजी।
ये एकदम सट जाता है सर। तो अभी जितना भी आप लोग ये सामान लाए अभी छोटे गाड़ी में लाए? ये छोटा गाड़ी में आता है सर। अच्छा, अब बड़ा गाड़ी आएगा तो उसमें एक दो तीन आइटम को रेट कम करेंगे, दो तीन आइटम को बढ़ाएंगे सर। तो फिर दोबारा रेट फिक्सेशन? रेट फिक्सेशन होगा हफ्ते या दस दिन में होगा सर। अब जब बड़ा गाड़ी आएगा उस टाइम होगा सर। जी, जो आपकी जो सब्जी का रेट बनाया है अभी, ये ले जहाँ ले डिस्ट्रिक्ट का बनाया ना? ये ले डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये आपकी जो साथी जो मतलब नोबरा में, उनको 10 रुपये प्लस होना चाहिए सर रेट, क्योंकि एक तो उनको सड़ भी जाता है, दूसरे दिन माल पहुंच जाता है। अच्छा, 10 रुपये कम से कम प्लस होना चाहिए, चाहे चाथान हो, टंगसे हो या नोबरा हो सर, 10 रुपये प्लस होना चाहिए रेट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। लेकिन जो फूड सिविल सर्विस के जो एडी है, उन्होंने तो बताया ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का रेट बनाया। नहीं, जिसको होगा नहीं सर, फिर कहाँ से होगा उनको वारा सर। इधर क्या नाम है, नोबरा 5 रुपये किराया है। अच्छा, चांथान का 6-7 रुपये किराया है। अच्छा, वो तो प्लस होना चाहिए सर। अच्छा, उनको कहाँ, ये तो ले का रेट है। अच्छा, जो नोबरा में होगा उसको 10 रुपये कम से कम प्लस होना है, क्योंकि 5 रुपये चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5 रुपये उनको सटता है सर, उसको उनको भी 12-24 घंटे के बाद वहाँ पहुँच जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान, मतलब आपने बोला एक दो आइटम में हम घाटे में भी बेच रहे हैं, घाटे में एक तो बीनस है सर, भिंडी है और मटर है, ये तीन आइटम तो बिल्कुल, लेमन और ये क्या नाम है, लेमन और अदरक। अच्छा, अच्छा। ये दो तीन तीन चार आइटम बहुत सस्ता है। अच्छा, और पालक सर, पालक का रेट दिया हुआ है 50 रुपये। अच्छा, डाउन में होता है 40 रुपये, क्योंकि अभी बिल्कुल नाजुक है, पहुँचना ही नहीं, सट जाता है रास्ते में। ये सब्जी सर आप श्रीनगर की मंडी से उठाते हैं कि उससे? अमृतसर मंडी से भी आता है, जम्मू से भी आता है, श्रीनगर वाया श्रीनगर आता है सर। अच्छा, हाँ सर, ज़्यादा तो श्रीनगर से ही आता है, श्रीनगर से सर। सर सर, तो आप यहाँ ले में हर जगह होलसेल ले? हाँ, होलसेल हमारा है, होलसेल और भी है, दो तीन और भी है, हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा है सर। सर्दियों में भी स्टॉक रखते हैं? सर्दी में भी स्टॉक रखते हैं। इस साल हमने फ्रोजन सब्जी रखी थी सर, कम से कम 7-8 लाख रुपये का फेंका, चला ही नहीं, अपडेट अब हो गया, अब कहाँ बिकेगा, वो फ्रेश आ गया, पुराना बिकेगा नहीं फ्रोजन सर। हाँ, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपने बताया कि यहाँ रेट बढ़ने का वजह है जो करगिल से यहाँ आने में और टाइम लगता है, उसमें और सड़ जाता है, उसमें लॉस होता है सर। अच्छा, उसमें सड़ जाता है। अच्छा, तभी तो ये 10-15 रुपये होना ही चाहिए हमको। जी जी, तो बड़े ट्रक आएंगे तो फिर दोबारा इसका रिवीजन होगा, किसी आइटम में हम कम करेंगे सर, किसी आइटम में बढ़ाएंगे। शुक्रिया जी, आप ठीक है सर। कितना खराब हो गया आपका? दो दिन में खराब हो गया, कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का सर। अच्छा अच्छा, यही इसलिए मैंने कहा था करगिल में 6 घंटे में पहुंच जाता है, वहाँ उतना नहीं सड़ता नहीं है, यहाँ हमें 24 घंटे के बाद पहुंचता है गर्मी की वजह से। ये देखो सोनावरक में 2 ही दिन रुका था गाड़ी, है टमाटर कम से कम 15-20 केट फेंका, और इससे पहले गाई वाले ने भी लिया। अच्छा अच्छा, जो बलंग वाले हैं उन्होंने भी लिया 10-15 केट। गाजर भी सड़ गया, ये भी, और मटर भी कितना महंगा है, इसलिए बोल रहे हैं हम करगिल से हमें 10-15 रुपये महंगा होना चाहिए, क्योंकि करगिल का सफर है 6 घंटा, यहाँ का सफर है 12 घंटा, मगर एक रात को हमको गाड़ी में रखना पड़ता है, फिर दूसरे दिन सवेरे अनलोड करना पड़ता है। अच्छा अच्छा।